हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन इन द रिसेप यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द मैसेज ऑफ द PM ब्लैंक लाउड एंड क्लियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कम का सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पे कैम लिखा हुआ है, तो कम थ्रू का मतलब होता है टू बी व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, मतलब जो जरूरी है वही करना। तो यहाँ पे कम थ्रू का मतलब होता है टू बी व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, मतलब जो चीज जरूरी है वही करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा PM का जो संदेश है वो जोर से और जो है स्पष्ट रूप से आया। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ही ब्लैंक हिज सेंसेस आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे केम टू, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है कम का सेकंड फॉर्म लिखा है केम। कम टू का जो मतलब होता है ये होता है टू गेन कॉन्सियसनेस और टू रिकवर या फिर टू गेट रिजल्ट, मतलब कि होश में आना या फिर नतीजा होना। तो यहाँ पे कम टू का मतलब होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ही कम टू हिज सेंसेस आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, मतलब कि थोड़ी देर बाद उसे होश आया। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। कम टू का मतलब जो होता है ये होता है टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर या फिर टू गेट रिजल्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दीज कस्टम्स है ब्लैंक फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे कम डाउन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कम डाउन का जो मतलब होता है ये होता है टू फॉल, मतलब कि जो है नीचे आना, या फिर टू पास बाई एज ट्रेडिशन, मतलब कि एक से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा जो है कम डाउन का मतलब होता है टू फॉल, मतलब कि नीचे आना, या फिर टू पास बाई एज ट्रेडिशन, मतलब कि एक से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, तो सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये रीति रिवाज अनादिकाल से चले आ रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यू विल ब्लैंक नथिंग इफ यू कीप ऑन फाइटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे कम टू ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कम टू के बारे में। कम टू का जो मतलब होता है ये होता है टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर या फिर टू गेट रिजल्ट, मतलब कि होश में आना या फिर नतीजा होना। ऊपर जो सेंटेंस में यूज हुआ था इसका मतलब टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर, मतलब कि होश में आना। और यहाँ पे इसका मैंने दूसरा मतलब क्या बताया था, टू गेट रिजल्ट, मतलब कि नतीजा होना। तो यहाँ पे इसका मतलब जो हो जाएगा, यदि आप लड़ते रहेंगे तो आप कुछ भी नतीजा नहीं आएंगे, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कम टू का मैंने आपको दो मतलब बताए थे, एक होता है टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर, और दूसरा होता है टू गेट रिजल्ट, मतलब कि होश में आना या फिर नतीजा होना। तो दोनों मतलब मैंने कम टू के आपको बता दिए हैं, दोनों सेंटेंस भी आपको बता दिए हैं। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द इशू ऑफ सेफ्टी ब्लैंक ट्वाइस ड्यूरिंग द मीटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा केम अप, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केम यहाँ पे जो है कम का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है। कम अप का मतलब जो होता है ये होता है मूटेड और रेज्ड फॉर डिस्कशन, मतलब कि मुद्दा उठाना। यहाँ पे ये सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, बैठक के दौरान दो बार सुरक्षा का मुद्दा उठाया। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा
कम अप का मतलब जो होता है मूटेड और रेज्ड फॉर डिस्कशन, मतलब कि मुद्दा उठाना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आई ब्लैंक दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट व्हाइल आई वॉज लुकिंग फॉर सम डेकोरेटिव आइटम्स। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा केम अपॉन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है कम का सेकंड फॉर्म यहाँ पे केम लिखा है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कम अपॉन का जो मतलब होता है, कम अपॉन का जो मतलब होता है ये होता है टू मीट बाय चांस। तो टू मीट बाय चांस मतलब कि अचानक से मिलना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, मैं कला के इस खूबसूरत टुकड़े पर तब आया जब मैं कुछ सजावटी वस्तुओं की तलाश कर रहा था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मैंने आपको यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कम अपॉन का मतलब मैंने बताया है टू मीट बाई चांस, मतलब कि अचानक से मिलना। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मैं कला के इस खूबसूरत टुकड़े पर तब आया जब मैं कुछ सजावटी मतलब कि डेकोरेटिव जो आइटम्स हैं उसकी तलाश कर रहा था। इसमें सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आई कैन नॉट ब्लैंक देम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा काउंट ऑन ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। काउंट ऑन का जो मतलब होता है टू डिपेंड ऑन, टू रिलाई ऑन, मतलब कि विश्वास करना या फिर निर्भर रहना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा आई कैन नॉट काउंट ऑन देम, मतलब कि मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द इशू ऑफ हेल्थ केयर ब्लैंक ऑल द स्ट्रेटा ऑफ आर सोसाइटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे कट्स अक्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कट्स अक्रॉस ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसका जो मतलब होता है ये होता है टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे, मतलब कि सबसे छोटे मार्ग से गुजरना, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा। या फिर टू अफेक्ट मैनी, मतलब कि कई को प्रभावित करना। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा स्वास्थ्य देखभाल का मुद्दा जो है हमारे समाज के सभी वर्गों में व्याप्त है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। मतलब व्याप्त मतलब होता है प्रभावित है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा। कट्स अक्रॉस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे, मतलब कि सबसे छोटे मार्ग से गुजरना। या फिर टू अफेक्ट मैनी, मतलब कि कई लोगों को प्रभावित करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा स्वास्थ्य देखभाल का जो मुद्दा है हमारे समाज के सभी वर्गों में व्याप्त है या फिर मतलब प्रभावित है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वी नीड टू ब्लैंक द इनटेक ऑफ फैटी फूड आइटम्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कट डाउन ऑन, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कट डाउन ऑन का मतलब जो होता है टू कर्टाइल, मतलब की कटौती करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हमें फैटी फूड पदार्थों के सेवन में कटौती करने की आवश्यकता है, मतलब की बंद करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, You should not blank with your unsolicited advice. तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कट इन, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कट इन का जो मतलब होता है टू इंटरप्ट, टू इंटरप्ट मतलब कि हस्तक्षेप करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा आपको अपनी बिन मांगी सलाह के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। कट इन का मतलब जो होता है ये होता है टू इंटरप्ट, मतलब कि हस्तक्षेप करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा आपको अपनी बिन मांगी सलाह के बीच हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो जरूर शेयर किया करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और पीडीएफ फाइल के लिए जो है आपको यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल के होम पेज पे सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन आ रहा होगा, उसमें कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ज्वाइन हो जाएंगे। सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल होगी उसका आपको पासवर्ड मिल जाएगा, और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, सॉल्यूशन विद ऋषभ है, आप लोग सर्च कर लीजिए, तो 17K करीब सब्सक्राइबर है, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ फाइल्स का जो पासवर्ड वगैरह है वो आपको यूट्यूब चैनल के
होम पेज पे मिल जाएगा मेंबरशिप सेक्शन में। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ब्लैंक व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, क्रॉप्ड अप ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉप का जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्रॉप या मैं लिख देता हूँ, क्रॉप अप का जो मतलब होता है, क्रॉप अप का जो मतलब होता है ये होता है टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि यूजुअली प्रॉब्लम, मतलब कि अचानक से होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, जब मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तो कई समस्याएं सामने आई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। क्रॉप अप का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली यूजुअली प्रॉब्लम, मतलब कि अचानक से आना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, जब मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तो कई समस्याएं सामने आईं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आई एम ब्लैंक द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कट आउट फॉर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कट आउट फॉर का मतलब होता है टू बी सुटेबल फॉर, मतलब कि कोई कार्य जो आपके लिए उपयुक्त हो, उसका मतलब होता है कट आउट फॉर का मतलब टू बी सुटेबल फॉर। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, मैं टीचिंग कार्य के लिए सबसे उपयुक्त हूँ, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मतलब कि सफिशियंट। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कट आउट फॉर का मतलब होता है टू बी सुटेबल फॉर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शी ब्लैंक शुगर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे डील्स इन, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। डील्स इन का मतलब जो होता है टू है बिजनेस ऑफ समथिंग, मतलब कि कोई भी बिजनेस करना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, वह चीनी का कारोबार करती है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। डील्स इन का मतलब होता है टू है बिजनेस ऑफ समथिंग, मतलब कि कोई भी बिजनेस करना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आई कैन नॉट ब्लैंक द स्टूपिड पीपल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे डील विद, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग एस हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डील आना चाहिए, तो डील विद ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। डील विद का मतलब क्या होता है, तो डील विद का मतलब होता है टू हैंडल, मतलब कि किसी चीज से निपटना। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मैं मूर्ख लोगों के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया डील विद का मतलब होता है कि टू हैंडल, मतलब कि किसी चीज से निपटना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मैं मूर्ख लोगों के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द र्यूमर्स विल ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डाई डाउन, ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डाई डाउन का जो मतलब होता है यह होता है ग्रेजुअली डिसअपीयरिंग टू लॉस स्ट्रेंथ, मतलब कि धीरे धीरे कम हो जाना, मतलब कि आपकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाए या फिर छीड़ हो जाए। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, धीरे धीरे अफवाहें कम हो जाएंगी या फिर ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। डाई डाउन का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रेजुअली डिसअपीयरिंग टू लॉस स्ट्रेंथ, मतलब कि धीरे धीरे कम हो जाना या फिर शक्ति छीड़ हो जाना, मतलब कि ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो धीरे धीरे अफवाहें कम हो जाएंगी या फिर ख़त्म हो जाएंगी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इट ब्लैंक मी दैट सम स्ट्रेंज एंड सिली ट्विस्ट हैड टेकन प्लेस इन द होल प्लॉट ऑफ द ड्रामा। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डोंट अपॉन, ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डोंट अपॉन ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब कि समझ में आना। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, यह मेरे दिमाग में आया कि नाटक के पूरे कथानक में कुछ अजीब और मूर्खतापूर्ण मोड आया था, इस सेंटेंस में मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे डोंट अपॉन का मतलब होता है, यह होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब कि समझ में आना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब मैंने बता दिया है, बाकी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आई ब्लैंक लवली हॉलीडे ट्रिप्स
टू हिल स्टेशंस, तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे डाई फॉर ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। डाई फॉर का मतलब होता है टू हैव अ ग्रेट विश, मतलब कि इच्छा या फिर चाह रखना, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं हिल स्टेशनों की प्यारी छुट्टियों की यात्राओं के लिए इच्छा रखता हूँ, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। डाई फॉर का मतलब मैं बता चुका हूँ, मतलब कि इच्छा रखना या फिर चाह रखना। टू हैव अ ग्रेट विश, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेवरल स्पेसेस ब्लैंक बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे डाइड आउट, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाई का सेकंड फॉर्म यहाँ पे डाइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डाई आउट का मतलब क्या होता है, डाई आउट का मतलब होता है टू गेट एक्सटिंक्ट, मतलब कि विलुप्त हो जाना या फिर खत्म हो जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। डाई आउट का मतलब मैं बता चुका हूँ टू गेट एक्सटिंक्ट, मतलब कि विलुप्त हो जाना या फिर खत्म हो जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आई वॉन्ट टू ब्लैंक दीज ओल्ड पीसेस ऑफ फर्नीचर, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहां पे डिस्पोज ऑफ, ऑप्शन यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है टू सेल्फ ऑफ या फिर टू गेट रिड ऑफ, मतलब कि बेचना या फिर छुटकारा पाना। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं फर्नीचर के इन पुराने टुकड़ों को हटाना चाहता हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आपको मैंने बताया डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है टू सेल ऑफ, मतलब कि बेचना, और यहाँ पे दूसरा मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, मतलब कि छुटकारा पाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब मैं बता चुका हूँ, बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वी शुड ब्लैंक करप्शन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। डू अवे विद का मतलब होता है टू एबोलिश, मतलब कि समाप्त कर देना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हमें भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। डू अवे विद का मतलब मैंने बताया टू एबोलिश, मतलब कि समाप्त कर देना। यहाँ पे मतलब हो जाएगा वी शुड डू अवे विद करप्शन, मतलब कि हमें भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, आई कैन नॉट ब्लैंक माई स्टाफ इन माई बिजनेस, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डू विदाउट, ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डू विदाउट का मतलब होता है टू मैनेज विदाउट, मतलब कि किसी चीज के बिना काम चलाना। तो यहाँ पे मैंने मतलब क्या बताया, डू विदाउट का मतलब होता है टू मैनेज विदाउट, मतलब कि किसी चीज के बिना काम चलाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टाफ इन माई बिजनेस। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द कोर्ट केसेस इन इंडिया ब्लैंक फॉर ईयर्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रैग ऑन, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ड्रैग ऑन का मतलब होता है टू स्ट्रेच, मतलब कि लंबा खींचना। तो यहाँ पे द कोर्ट केसेस इन इंडिया ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स, मतलब कि भारत में जो अदालती जो यहाँ पे कोर्ट केसेस हैं ये मतलब कि सालों तक चलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ड्रैग ऑन, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैंक द कैटल फ्रॉम द फील्ड, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ड्राइव आउट, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ड्राइव आउट का मतलब होता है टू मेक समवन रन अवे, मतलब कि भगा देना। तो यहाँ पे ड्राइव आउट का मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा मवेशियों को खेत से भगाओ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। ड्राइव आउट का मतलब मैंने आपको बताया टू मेक समवन रन अवे, मतलब कि भगा देना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सम गेस्ट ब्लैंक यस्टरडे, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ड्रॉप्ड इन, ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म लिखा है ड्रॉप का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो है ड्रॉप इन। तो ड्रॉप इन का जो मतलब होता है, ड्रॉप इन का मतलब होता है टू कम सडनली, मतलब कि अचानक से पहुंचना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा
कुछ मेहमान कल अचानक से आए थे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉप इन का मतलब होता है टू कम सडनली, मतलब कि अचानक से पहुँचना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इट इज़ नो यूज़ ब्लैंक योर मिसफॉर्च्यून्स, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ड्वेलिंग ऑन, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ड्वेलिंग जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्वेल लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ड्वेल ऑन का जो मतलब हो जाएगा टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट और रिलाइंग ऑन समथिंग, मतलब कि किसी बात के बारे में बोलते रहना या फिर सोचते रहना या फिर उसी पर निर्भर करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा अपनी बदकिस्मती के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो ड्वेलिंग ऑन ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, करप्शन इज ब्लैंक आर सिस्टम, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ईटिंग इनटू ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ईट इनटू का मतलब होता है टू वीकन, मतलब कि खोखला करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा करप्शन इज ईटिंग इनटू आर सिस्टम, मतलब कि जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, वो हमारे सिस्टम को जो है खोखला कर रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ब्लैंक दिस अग्रीमेंट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे एंटर इनटू ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंटर इनटू का जो मतलब हो जाएगा टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व इन, मतलब कि किसी कार्य में सम्मिलित हो जाना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, आपको सलाह दी जाती है कि आप इस समझौते में प्रवेश ना करें, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब आगे अग्रीमेंट के बारे में बात की जाएगी तभी एंटर के बाद इनटू प्रपोजिशन या यूज होता है। तो यहाँ पे enter into का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको। अगला जो question, question number 28, every part of this movement is blank, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका right option क्या होगा। तो यहाँ पे every part of this movement is blank, तो इसमें यहाँ पे right option जो हो जाएगा ये falling apart option यहाँ पे C correct हो जाएगा। fall apart का मतलब जो होता है, fall अपार्ट का जो मतलब होता है ये क्या होता है, फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब कि कई भागों में बिखर जाना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इस आंदोलन का हर हिस्सा टूट रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फॉल अपार्ट का मतलब मैंने बताया टू ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब कि कई हिस्सों में बिखर जाना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द इनवेडिंग आर्मी वॉज फोर्स टू ब्लैंक ड्यू टू कंटिन्यूस फायरिंग, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फॉल बैक ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉल बैक का मतलब होता है टू रिट्रीट, मतलब कि पीछे हट जाना। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लगातार गोलीबारी के कारण हमलावर सेना को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फॉल बैक का मैंने मतलब आपको बताया टू रिट्रीट, मतलब कि पीछे हट जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब मैंने बता दिया है आपको, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, आई हैव नो वन टू ब्लैंक, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फॉल बैक ऑन ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फॉल बैक ऑन का मतलब जो होता है ये होता है टू यूज एज अ लास्ट रिजोर्ट, मतलब कि कठिनाई के समय में किसी चीज की सहायता लेना। तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरे पास खत्म होने वाली कोई चीज नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फॉल बैक ऑन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टू यूज एज अ लास्ट रिजोर्ट, मतलब कि कठिनाई के समय में किसी चीज की सहायता लेना, यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हिज एडवाइस ब्लैंक ऑन अस, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और 31 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है जरूर, आप लोग जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।